रानी की बात सुनी है राजा ने। अरे जब सुनी रानी की बानी और जब लागे कहने को बोला है राजा किया हो गई। इधर राजा के मुखारबिंद से कोई जवाब नहीं निकल रहा है, लेकिन राजा को बैठा लिया है। आइए मेरे प्राणनाथ, अगर दरवाजे से कोई भिखारी लौट गया हो तो बताओ, या किसी राजा ने संदेशा भेज दिया चढ़ाई करने के लिए। सोई राजा उत्तान पाद कहने लगे, रानी ऐसी कुछ बात नहीं, अरे इतने दिन हो गए हैं महाराज, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एकदम से रानी घुटनों के बल हो गई और कहने लगी, हे पतिदेव, आपने मन की वेदना नहीं बताई तो तुम्हारी सौगंध तुम्हारे चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। इतना बढ़कर के रानी ने कहा, राजा उत्तान पाद नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब ज्यादा चिंता होती है तो फिर मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता है। यही बात श्री शुद्ध जी सोनकद ऋषियों को ज्ञात करा रहे हैं महाराज। और बहुत देर हो गई है, उदास अवस्था में बैठे हुए हैं। सही दुखिया कहने लगी, हे प्राणेश्वर, हे मेरे प्राणों के रक्षक, आप बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या उदासी है, मुझे कम से कम चिंता तो बताओ। नहीं बोला सोई रानी, घुटनों के भर हो गई और क्या बोलिए। कर जोरी पूछ रही रानी, क्यों गाया तुम बंधु। इतना बढ़कर के प्रकरण हुआ, सोई राजा कहने लगा, है रानी अब तुम दिल की बात पूछ रही हो तो मैं बता ही देता हूं, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं हमारे आंगन में कोई पुष्प नहीं प्रगटाया है, इसलिए हमारी पूरी राज्य में चर्चाएं होती हैं। अब राजा के मरने के बाद राजवंश का दीपक कोई जलाने वाला नहीं होगा। रानी इसी चिंता में हम दिनों रात घुटन करते हैं और किसी के सामने नहीं जाते हैं, क्योंकि क्या जवाब दूंगा। आज मेरे बंधु रानी कहने लगी, महाराज ये तो सब प्रभु की गति है, अरे ये हमारे तुम्हारे हाथ में कोई बात नहीं है। अरे जब प्रभु जो रचता है वही होता है, हमारे तुम्हारे ऐसे संस्कार हैं। अरे इतना तो अच्छा किया है भगवान ने, चलो मनुष्य का जन्म तो दे दिया है जिसमें हम और आप जीवन निर्वाह कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।